आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी हम इसमें डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से लेबोरेटरी के अंदर अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स, अल्केन्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो हम देखेंगे आज डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कि किस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं लैब में। व्यूअर्स, यहां पे हमने मेथड्स मेंशन किए हुए हैं कि जो मेथड्स हम यूज करेंगे आज। व्यूअर्स, जो पहला मेथड है हमारे पास वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को हम डिफाइन करते हैं कि एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन्स और अल्काइन्स। तो व्यूअर्स, ये देखिएगा किस तरह से होता है हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन की टाइप है। हमारे पास फर्स्ट करें, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये है इथीन। हम इथीन में ऐड करवाना चाहते हैं हाइड्रोजन को, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को। तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं, जो हमें कैटलिस्ट रिक्वायर होगा वो है निकल कैटलिस्ट, और टेम्परेचर हम रखेंगे 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, बहुत आसान सा रिएक्शन है कि इसमें से यहाँ पे डबल में से एक बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, टूट जाएगा, और एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और दूसरी हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी वो इस तरह से बनेगी, सी दो हाइड्रोजन इसके पास ये पहले से थे, इधर सिंगल बॉन्ड सी दो हाइड्रोजन ये भी इसके पास पहले से, और जो अब ये वाला जो हाइड्रोजन है एक इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ आके लग गया और एक इस कार्बन के साथ। आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड डेवलप हो गया, तो ये हमारे पास एक अल्केन बन गया जिसका नाम है इथेन। व्यूअर्स, ये प्रोसेस करवाने के लिए हम निकल की जगह प्लाडियम कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये प्रोसेस हमें हीट नहीं करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन प्लाडियम जो है वो मैगी मेटल है, तो इस वजह से ज्यादातर निकल के साथ ये प्रोसेस करवाया जाता है। फिर जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फिर रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन। तो फिर ये हम दो तरह से करवा सकते हैं। पहले ये देखिएगा कि हम क्या करते हैं, हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं लाइक CH3 CH2 Cl। ये एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ गया इथाइल क्लोराइड। हम इसको इसके लिए कंडीशन जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जिंक HCl जो है ये हमें बना के देगा यहाँ पे ये एटॉमिक हाइड्रोजन। तो फिर रिएक्शन किस तरह से होगा कि ये जो दो एटॉमिक हाइड्रोजन है एक उनमें से इस Cl से अटैच होके बनाएगी HCl, और व्यूअर्स ये जो दूसरे हाइड्रोजन है वो यहां पे इधर ऐड हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी हमारे पास अल्केन बन गया। व्यूअर्स, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा जो है अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन का मेथड, उसको हम कहते हैं वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। उसमें यानी पार्शियल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजिनोलाइसिस में हम देखते क्या होगा, फर्ज करते हैं हमारे पास ये है एक अल्काइल हैलाइड CH3 CH CH3 और यहां पे हमारे पास इधर लगा हुआ है ये हैलोजन, तो एक अल्काइल हैलाइड है। इसके लिए व्यूअर्स हमने जो कंडीशन यूज करनी है वो हमारे पास है प्लाडियम चारकोल, और ये प्लाडियम चारकोल से हमारे पास जो इधर आएगी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी ये इस तरह से। अब व्यूअर्स आगे इसका भी उसी तरह से प्रोसेस है कि जो एक हाइड्रोजन है वो इस Cl से अटैच हो जाएगा और बना देगा HCl, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो यहां से इधर ऐड हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी जो वो बनेगी CH3 CH2 CH3। इसमें भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये हमारे पास एक अल्केन बन गया जिसका नाम है प्रोपेन। व्यूअर्स, जो नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारे पास वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट्स। व्यूअर्स, डीकार्बोक्सिलेशन हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने किसमें से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट्स यूज करने हैं, और ये मैं एग्जांपल आपके सामने दे लिखता हूं। जैसे हमारे पास है एक ये CH3 C डबल बॉन्ड O O N A, ये हमारे पास है एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट सोडियम का।
हमने क्या करना है, हमने व्यूअर्स इसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। पर सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है ये मिक्सचर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो व्यूअर्स इधर देखें, जब हम इसको हीट करेंगे तो मैं इस तरह लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आगे ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम के साथ हमने इसे हीट करवाना है और यहां पे रिएक्शन क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन यानी सीओ टू रिलीज होगी। तो व्यूअर्स इस तरह से ये रिएक्शन होगा कि ये जो एक सोडियम ये दूसरा सोडियम ये एन ए टू बनाएंगे और साथ में यहां पे सी ओ ओ और ये एक ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे एन ए टू सी ओ थ्री। यानी इस साल्ट में से अगर हम देखें तो ये सीओ टू रिलीज हुई। अब व्यूअर्स ये जब चला गया हमारे पास तो बाकी जो चीज बचती है वो यहां पे हमारे पास बचेगी सी एच थ्री और ये एच, ये एच यहां से आके इधर ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी मीथेन विच इज अल्केन। तो ये एक तरीका था किस तरह से हम डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट्स की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम और उससे हम बना सकते हैं अल्केन्स। व्यूअर्स इसी के एक और मेथड है कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें हम सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है कि हम कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हुए किस तरह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। व्यूअर्स जो नेक्स्ट है हमारे पास मेथड यहाँ पे डेट इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। व्यूअर्स अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला लिखे तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इस तरह से होता है कि इसके साथ अल्काइल ग्रुप लाइक सी एच थ्री और साथ में मैग्नेशियम और हेलाइड कोई लगा होता है लाइक हम सपोज कर लेते हैं बी आर, ये हमारे पास एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट आ गया। हमने करवानी है इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी इसमें हम वाटर एड करवाएंगे। तो वाटर को व्यूअर्स मैं इस तरह से लिख देता हूं एच ओ एच यानी एच टू ओ। तो जब हम इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से बनेगी कि ये जो ये एच है ये यहां से इधर इसके साथ ऐड होगा और जो ओ एच है वो इधर एम जी के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी ये वाली प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी एम जी, इधर बी आर पहले लगा हुआ था और ये आ गया साथ में ओ एच, और जो दूसरा जब एच यहाँ पे ऐड हुआ तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास बनी सी एच फोर। तो व्यूअर्स ये भी हमारे पास इसी तरह से ये बन गया मीथेन यानी के अल्केन। तो अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स की हाइड्रोलिसिस करवाए तो उसके नतीजे में भी हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। व्यूअर्स जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। व्यूअर्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर इस तरह से ये वाली कार्बन मौजूद होती है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच हो, इन्हें हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो व्यूअर्स यहां पे हम कीटोन्स और एल्डिहाइड्स हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, इनकी रिडक्शन देखेंगे। तो कीटोन्स की रिडक्शन जिसका स्पेसिफिक नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स फर्स्ट करें हमारे पास ये कीटोन है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो ये इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड की कंडीशन भी पूरी होगी। ये कीटोन है हमारे पास, हमने इसको रिड्यूस करवाना है हाइड्रोजन के साथ और जो इधर हमारे पास रिएजेंट्स हैं वो है जिंक अमलगम और साथ में HCl। तो व्यूअर्स रिएक्शन किस तरह से होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन चार में से दो H के साथ अटैच होके बना देगी H2O और बाकी जो हमारे पास बचेगा दो हाइड्रोजन वो यहां से इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री यानी प्रोपेन। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड था प्रोपानोन, इसकी हमने रिडक्शन करवाई क्लेमेंसन रिडक्शन और जिंक अमलगम की प्रेजेंस में और उससे हमने बना लिया प्रोपेन। तो फिर ये तो हो गई कीटोन की रिडक्शन जिसके नतीजे में हम अल्केन्स बना रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड्स की रिडक्शन जिसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। बस यहां पे हम कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं जैसे कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास आ गया एक एल्डिहाइड। अब इसमें अगर इसमें भी हम इसी तरह से हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे
एटॉमिक हाइड्रोजन। विवल जो इसकी कंडीशंस हैं वो है हाइड्रोजन N2H4 साथ में KOH और टेम्परेचर इसके लिए हमें चाहिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। विवल रिएक्शन इसी तरह से ही होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इधर टू हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बना देगी H2O और जो बाकी दो हाइड्रोजन है वो इधर कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो व्यूअर्स ये भी बना दिया हमने इथेन और ये आ गया एल्केन्स। तो व्यूअर्स ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम लैब के अंदर एल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स आपके सामने हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहे। अल्लाह हाफिज़।